नमस्कार दोस्तों, विवेक गुप्ता बोल रहा हूँ, करियर काउंसलर एंड MBBS काउंसलर ऑल्सो। और मैं खड़ा हूँ बाहर प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सामने। और बहुत ही, जैसे कि आप जानते ही, और जो मेरे यूपी के, जब मैं कॉलेज की लिस्ट बनाता हूँ तो ये हमेशा बॉटम हाफ में आता है और ट्रूली डिज़र्व करता है बॉटम हाफ में आना। देखिए, बहुत बड़ा बड़ा लिख रखा था प्रसाद IVF सेंटर, पर जब मैं अंदर गया तो पता चलता है कि ये भी नाम के, और आज तक इन्होंने कभी किसी का IVF करा तो है नहीं। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सब झूठ है। तो एक लाइन में बताऊँ, मतलब कहने को उन्होंने अपने आप को कह रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल एक भाई उजड़ा हुआ कॉलेज, बसें भेज के पेशेंट थोड़े बहुत बुलाए जा रहे हैं, बच्चों से मैंने बात की, खाना बिलो एवरेज, इंफ्रा बिलो एवरेज, ठीक है सस्ते उन्नाव से तो खैर हर चीज़ अच्छी होगी, लेकिन वही जो हम NC मेडिकल कॉलेज पानीपत की बात करते हैं या झज्जर की बात करते हैं, उसी गेट का कॉलेज है। और जो इंटरेस्टिंग बात है ना, जो चलो फिर भी कुछ तो वैसे जो मेरा फ़र्ज़ है सब बताना। सो देखिए, ये लखनऊ से रोड आ रही है सामने, तो ये लखनऊ कानपुर हाईवे है, और जब कानपुर हाईवे पे हम चलते हैं तो पहले ये कॉलेज आता है लखनऊ से निकल के तकरीबन 15 किलोमीटर बाद, मतलब यहाँ से जो एयरपोर्ट है इसी रोड पे, वो 15 किलोमीटर पड़ेगा। सामने कानपुर है जो अभी और 60 किलोमीटर दूर है, और इसी रोड पे ही उन्नाव था। मैं उन्नाव का वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी मैं इसी वीडियो में कहना चाहूँगा, इसी रोड पर आगे जाके तो 20 किलोमीटर और सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव में नहीं था। देखिए यूपी में या जैसे या बड़े शहरों के बाहर निकलती हो तो क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट होती हैं, राइट? तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में वो कॉलेज है, पर एक्चुअली सरस्वती मेडिकल कॉलेज नवाबगंज में है, और वो उन्नाव शहर से भी 20 किलोमीटर बाहर था, पहले था, इसलिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो तो बिल्कुल एक ज़ीरो है ना, ज़ीरो, कि खाली दीवारें खड़ी हैं, और आपके बच्चे वहाँ क्यों पढ़ रहे हैं भगवान जाने। कहने को ये कॉलेज PG भी करा रहा, देखिए बोर्ड लगा हुआ है MD MS, और हमें गलत फहमी होती है कि भाई जिस कॉलेज में PG है वो कॉलेज अच्छा ही होगा, लेकिन ये कॉलेज ज़ीरो है। तो PG वाले भी क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं भगवान जाने। बिल्कुल ही इस कॉलेज में तो मतलब बिल्कुल एक, जिसे बोलते हैं, एवरेज भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ डिग्री लेने वाली ही बात है। हाँ ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत चल रहा है तो क्लासेस लग रही हैं, स्टूडेंट से मैंने बात की थोड़े पुराने हैं, और मैंने उन्हें हर जगह देखा है, चाहे वो उन्नाव था। मैं बच्चों से तो बाहर बात कर पाया, उन्नाव में तो हालत ये थी कि मेरे को वीडियो बनाने नहीं देगा। जैसे देखिए मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, ये पब्लिक लैंड है, करेक्ट, बट उन्नाव में तो हालत ये हुई कि मैं दूर भी गया ना तो सिक्योरिटी गार्ड प्रैक्टिकली मेरे पीछे पड़ गया कि सर आप फोटो वीडियोग्राफी कॉलेज का ले ही नहीं सकते। मैं कहा मैं तो रोड पर खड़ा हूँ, और फिर मैंने ऐसे कर लिया, मैं कहा मैं तो रोड की वीडियो ले रहा हूँ, तो फिर बाजू में खड़ा हो गया कि मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कॉलेज के बारे में। इट वॉज लाइक धमकी कि भाई आप जाओ यहाँ से, तो मैं सबसे उन्नाव का एक आपको वैसे वीडियो बना दूंगा कि कैसे वो एक डिज़ास्टर कॉलेज है, डिज़ास्टर ऑप्शन है, और तभी वो हट गया था पहली काउंसलिंग से। तो वही बात है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, NMC को पता नहीं किसको सेवा करके वो दोबारा से काउंसलिंग में आ गया, लेकिन प्रसाद उससे थोड़ा ही बेटर है, वो तो बिल्कुल डिज़ास्टर। और यूपी के देखिए आधे कॉलेज जो नीचे के 10 कॉलेज हैं सारे ऐसे ही हैं। तो बसें भेज रहे हैं प्रसाद वाले, अंदर 3 बसें खड़ी थी, और बसेस भेज के पेशेंट बुलाए जाते हैं। ये लखनऊ कानपुर में काम चल रहा है, तो ये तो बड़े बड़े बोर्ड नजर आ रहे हैं, इसमें एक्चुअली में कुछ हो नहीं रहा है। एटलीस्ट ये था कि मैं यहाँ घुस पाया इस कॉलेज में, तो किसी ने मुझे रोका नहीं। मैं कह रहा हूँ उन्नाव में तो बिल्कुल एक बैरियर लगा हुआ है कि भाई कोई बंदा अंदर आ ही ना पाए, सब कुछ ही ख़त्म है वहाँ। तो जैसे मेरे को एक बार, मुझे याद है मैंने महावीर मेडिकल देखा था ना भोपाल में, तो जो बिल्कुल एक इंडिया के जो बॉटम 10 कॉलेज है जिसमें महावीर भोपाल आता है, उसी में सरस्वती उन्नाव आएगा उसी लिस्ट में। NCNC तो उससे बहुत अच्छा है, और प्रसाद भी उससे तो बेटर है उन्नाव से, पर ये भी बॉटम 50 में ही आएगा पक्का। और बस ये है कि चलो, मतलब कि अगर मरता क्या न करता वाली बात है, तो लखनऊ से बहुत पास पड़ता है, लोकेशन ठीक ठाक है। तो एटलीस्ट ये है कि अब यहाँ से लखनऊ शहर पहुँच जाएंगे, एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे 15 किलोमीटर में इसी रोड पे सीधा सीधा, तो वो एक आराम कह लीजिए या एक पॉजिटिव चीज़ कह लीजिए। और मैंने एक चीज़ और नोट करी, और शायद ये उनके लिए, क्यों ना दोनों कॉलेजों में मुझे बहुत ना non-UP के बच्चे दिखे, तो वहाँ भी मैंने जो बात की, और एक चाय वाला था वो नाव के बाहर, उसे बड़ा बताया कि सर यहाँ तो बंगाल के नॉर्थ ईस्ट के बहुत बच्चे होते हैं। तो शायद ये वीडियो के माध्यम से ज़्यादा अपील मैं करूँगा उन बच्चों को जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, महाराष्ट्र के हैं, जो कभी इस कॉलेज को देखते भी नहीं आने से पहले, और सिर्फ फीस देख के देख लेते हैं, और भाई जो उनके लोकल एजेंट होते हैं जिसके 300 नंबर आए बच्चे को, उसको गोली दे दी कि मैं तेरा काम 70 लाख में करा दूँगा, और मुझे भी ऊपर से 5 लाख दे दो, और वो लेके उनको यहाँ टिका दिया जाता है। ये उनको बच्चों के चेहरे से क्लियर हुआ कि सर हम तो फंस गए, क्या करें, हम तो पहले कभी कॉलेज देखा भी नहीं था। और यही मकसद है मेरा आपके लिए वीडियोस बनाने का, कि जो पूरी इंडिया में लोग बैठे हैं, आप देखिए 350 के 350 तो प्राइवेट कॉलेज नहीं देख सकते ना, 330,
तो शायद मेरे वीडियोज़ का पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि आप कॉलेज पर नज़र मार लें, जेन्युइन फीडबैक सुन लीजिए और फिर फैसला कीजिए कि जानबूझ के खड्डे में कूदना है या नहीं कूदना है। इस कॉलेज में पास करके नेक्स्ट पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आई हैव माई हाई डाउट्स, हाई सुपर हाई डाउट्स कि आप नेक्स्ट पार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और मैंने वही कहा कि जो यूपी का बच्चा है वो फिर भी ले रहा होगा मजबूरी में, बट मुझे इन सब कॉलेज में बहुत नॉन यूपी के बच्चे दिख रहे हैं, मेयो चाहे बाराबंकी था, चाहे ये प्रसाद है, चाहे सरस्वती उन्नाव था, उन्नाव कहना चाहिए सरस्वती नवाबगंज, और प्रसाद को फिर भी हम लखनऊ कह सकते हैं, वैसे ये भी लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में है, क्योंकि उन्होंने कभी कॉलेज देखा ही नहीं होता। उनको लगता है कि यूपी इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट इन इंडिया, यूपी हरियाणा कॉलेजेस। तो टिपिकल जो महाराष्ट्र का बच्चा है जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है 300-350 नंबर वाले की, वो यहाँ आ जाता है। और जो एजेंट होते हैं जो काउंसलिंग नहीं करते और 3-4 लाख रुपये ले लेते हैं इस बात पर हम आपको सीट दिला रहे हैं, वही लोग आपको यहाँ पर प्रसाद में या सरस्वती नवाबगंज में भेजते हैं, राइट। सो प्रीमियम अच्छी काउंसलिंग चाहिए, अच्छे कॉलेज में सीट चाहिए, तो 9603-623-20 नंबर याद कर लीजिए, उस पर कॉल कीजिएगा। बाय बाय, प्रसाद के बाहर से टेक केयर।